हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो थंबनेल देख के समझ में आ गया हो कि NS160 के हम लोग राइड रिव्यू लेने वाले हैं, टॉपिक पे भगाने वाले, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। वही पुरानी वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे थे, बिजी थे, रमज़ान था, और सोचा कि NS200 का तो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है, बट NS160 की वीडियो ही कर लेते और राइड लेकर के देख लेते कि कैसी है। तो अभी जो लेट नहीं करते, अभी तो घर पे हूँ, रात हो रहा है, कल सुबह निकलना है, तो उस कल सुबह निकलते हैं, डायरेक्ट शोरूम पर मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुई हैं। सो आ चुके हैं साई बजाज, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, और आते के साथ फ्रंट पे ही लगी हुई है NS160, जिसको आज हम लोग ले जाने वाले हैं, क्योंकि 200 के लायक कोई कंपटीशन बना नहीं। और 200 की बहुत सारी वीडियो तो आपने देख ली होगी, NS160 की उतनी खास वीडियो भी नहीं। और मतलब एक होता है कि प्रॉपर वीडियो जो होता है, काफ़ी दिनों बाद बनाने वाला हूँ NS160 के ऊपर। तो जैसा पता है कि जब भी बिहार आता हूँ और बजाज शोरूम से कुछ ना कुछ नई बाइक रहती है तो बनी जाती है, और देखने में काफ़ी मस्कुलर लग रही है। अभी ये लग नहीं रही कि NS160 है, क्योंकि डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं, 300 mm का डिस्क ब्रेक आ चुका है, और शॉकर आपको देख ली, अपसाइड डाउन आ चुका है, डुअल चैनल ABS हो चुका है, टायर पहले 120 सेक्शन, मतलब जब लॉन्च हुई थी उस टाइम तो 110 था, उसके बाद 120, अब 130 सेक्शन हो चुका है। ओवरऑल मतलब यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल चेंज कितने सारे। बाकी अभी जो है इसको लेके चलते हैं बाहर, ड्राइव करते हैं और बताते हैं कि कैसा ये परफॉर्म कर रही है, एंड टॉप स्पीड भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलो बाहर लेके निकलते हैं, मिलते हैं रोड पे। सो बाइक बाहर आ चुकी है, एंड अभी जो है इसकी फर्स्ट राइड लेने वाला हूँ मैं, एंड चलते चलते बात करेंगे क्या क्या चेंज है, कैसे लग रहा है, क्योंकि बाइक तो मस्कुलर हो चुकी है, एंड अब जो है ये N160 को भी टक्कर देने के लिए मतलब पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि N160 कुछ ज़्यादा ही मतलब जब से लॉन्च हुई थी तो ज़्यादा ही हाइप आ गया था, और NS160 तो वैसे पावर में ज़्यादा है उससे, बट फिर भी चलो देखते हैं। बाइक पे आते के साथ गियर इंडिकेटर दिखता है, ये मस्ट था, ज़रूरी चीज़ थी, बट चलो आवाज़ तो वैसा ही है। तो अभी डबल लोडिंग चलेंगे, बैठ जाइए, एंड इसका मीटर अभी छूटा हुआ है, वो तो आगे जब चलेंगे तो हम जब टॉप स्पीड करेंगे तो ज्वाइंट कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ वैसा तो है नहीं। बाइक की आवाज़ में बेसिनेस ज़्यादा आ चुका है, बाइक का आवाज़ जो है वो एग्जॉस्ट नोट जो है वो बेसफुल है, रुक करके भी चेक करेंगे। और इसकी कंपैरिजन वीडियो NS160 वर्सेस N160 की कंपैरिजन प्लस रेस वाली वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको इतना आइडिया लग जाएगा क्या NS160 हरा पाती है या नहीं हरा पाती है। इसका रिम भी हल्का कर दिया गया है, जैसे वेट जो था उसको रिम हल्का किया है, टायर थोड़ा सा वाइड हुए हैं, तो हो सकता है वाइड टायर से थोड़ा सा पिकअप पे फ़र्क पड़ता है कभी कभी। एंड टॉप स्पीड क्या है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाली अप्रॉक्स 130 चली जाती थी आपकी, जो इससे पहले BS6 वाली मॉडल थी। बाकी आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन वगैरह में तो अब कॉन्फिडेंस लग रहा है कि NS200 ही चला रहा हूँ। पूरी ब्रॉड हो चुकी है, टायर वायर भी पुरानी वाली 160 की तरह है नहीं, क्योंकि पुरानी वाली 160 का टायर पतला था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था, एंड अभी वाली जो है इसका 130 है तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस फील होता है। और सेगमेंट में पहला जैसे बजाज ही कर रहा है, इस सेगमेंट में डुअल चैनल ABS दे रहा है, क्योंकि N160 में भी डुअल चैनल ABS था और इसमें भी डुअल चैनल ABS आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्राइस पॉइंट भी कोई ज़्यादा हाई नहीं है कि आपको डुअल चैनल ABS दे रहे तो प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है या कुछ कर दिया जा रहा है, वैसा कुछ है नहीं। 5 गियर है बाइक में, या 5 गियर दिख रहा है, और बाकी तो आगे चल के बताना कि आगे चल के थोड़ा सा भगाएंगे एंड प्राइस डिस्कस करेंगे कि कितने में ये आ रही है, तो वो सब चीज़ लास्ट की चीज़ है जिसको लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। तो चलो मिलते हैं आगे। सो अभी वहाँ से लेकर के आ चुके हैं, एंड टॉप स्पीड की जो रन होती है वो अभी हम इसकी टेस्ट करेंगे कि ये कितना जाती है। चलाने में तो फील हुआ है कि थोड़ा सा लिमिटर लगा हुआ है, बट अभी मीटर लगाने के बाद देखते हैं कि क्या मतलब कितना टॉप स्पीड जा पाती है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस वाला लिमिटर अगर रहा तो फिर तो वो पूरा परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगी, बट फिर भी कितना जल्दी जाती है और कितना जाती है वो चीज़ देख लेते हैं। तो चलो मिलते हैं एंड भगाते हैं और देखते हैं क्या रहा टॉप स्पीड। सो
टॉप स्पीड आपने देखा यहाँ पे बाइक में लिमिटर है, अभी वो फर्स्ट सर्विस वाला लिमिटर है, बट वो हट जाएगा एंड ये बाइक 130 प्लस जाएगी, 130 तो जाएगी जाएगी। बाकी तो प्राइस की इसकी बात करते हैं तो 1,66,000 जो है बिहार शिफ्ट में आ जाएगा। अब कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है, वो तो वेरी करता है टैक्सेस वगैरह पे। एंड एग्जॉस्ट नोट मैंने सुनाया नहीं था प्रॉपर, तो अभी जो है इसकी एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। तो पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ, ये शायद ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है। सो एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो एग्जॉस्ट नोट जस्ट लाइक पहले ही की तरह है, बट थोड़ा सा बेस बढ़ गया है और बाकी चीजें तो मुझे सच चीज चेंज नहीं लगी, जो थी मतलब मैकेनिकल चेंजेस थी वो दिखी। बस एक यहाँ पे ये दे देना चाहिए था आपको, क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट कर देना चाहिए था, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी बाइकों में जो सारा अपडेट आया वो अच्छा ही अपडेट है, एक तरीके से सेगमेंट फर्स्ट बोल सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे नहीं, अगली वीडियो आप देखें, रेस करके देखेंगे और बताएंगे कैसा परफॉर्म कर रही है। तो चलो मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।